ए बनी, डरना मत, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहाँ है वो गुंडे? साले कुत्ते गुंडागर्दी करेगा, हाँ? बाप का राज समझ रखा है। अगली दफा एनकाउंटर कर दूंगा। सर मैंने फोन किया था। क्यों किया था? सर मेरा नाम बन्नी है, जरूरी बात करनी थी। ओ बन्नी। हाँ यस सर। सिट सिट सिट। व्हाट्स द मैटर? सर आप ही मधुमती से शादी करने वाले हैं ना? हाँ, कोई शक है क्या? मैं ही कर रहा हूँ। बात क्या है? सर एक्चुअली सर वो कम ऑन, बड़ा फुटेज खाते हो। सर आप ये शादी कैंसिल कर सकते हैं क्या? क्या? हाँ? क्या ये क्या बोल रहा है तू? Why? हाँ? इसकी वजह क्या है? बोल। आखिर तेरा इंटेंशन क्या है? बताना मुझे। तू मेरी शादी रोकेगा? तू मुझे बोलेगा और मैं तेरी बात सुनूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मेरी शादी क्यों रोकना चाहता? नहीं नहीं नहीं, अभी तो तू मुझे बताएगा कि मैं मधुमती से शादी क्यों ना करूं? तुझे बोलना ही पड़ेगा, आखिर वजह क्या है? बोल, तू मेरी शादी रोकना क्यों चाहता है? बता। तू बोलता है कि मैं तुझे ठोक डालूं? मधुमति और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे दोर से सुसु आ रही है। तेरे दिमाग में गोबर भरा है। क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है तू मेरी मंगेतर से प्यार करता है? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज गोली मत चलाइए, प्लीज प्लीज सर। ए तू करता क्या है? व्हाट? पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा डिलीवरी करता है यार। Hey! जानता है वो कितने बड़े बाप की बेटी है? और तू मेरा स्टेटस जानता है? मैं उसे रानी की तरह रखूंगा, रानी की तरह। और तेरी शक्ल देख, शिट शिट। देख तुझे जो बोलना है बोल, लेकिन मेरी शादी तो मधु से ही होगी। अब पिज्जा की बात बहुत आ रही है, निकल ले जा। फुट। शादी कर लो आप कर लो शादी उससे, लेकिन शादी होते ही वो अपनी जान दे देगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपनी मधु के बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। हमारे मरने के बाद आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरी मधुमती को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू सिर्फ मेरे लिए बनी है मधुमती। अगली डिलीवरी करने में 5 मिनट बाकी है। ओके अरे बनी, बात बन गई क्या? Hey, डीसीपी मेरी एक्टिंग देख के फ्लैट हो गया। माना डीसीपी तेरी लव स्टोरी सुनकर फ्लैट हो गया, पर लड़की को कब बताएगा? मैं उसे क्यों बताऊंगा? अगर डीसीपी ने उससे खुद पूछ लिया तो? हे भगवान, डीसीपी तो यही है। हाय, हे एक्सक्यूज मी, वो मधुमती थर्ड ईयर की स्टूडेंट को बुलवा देंगे क्या? आप कौन? होने वाला पति, अब बुलाओगे? जी। यस सर, अमर पेट में दंगे हो रहे हैं सर, जल्दी आइए। आग लग गई है, दो लोगों की जान गई है सर। आप कौन बोल रहे? हेलो हेलो सर। ठीक है मैं आता हूँ, आई एम कमिंग। आज कॉलेज में मेरा आखिरी दिन है। शादी के बाद भी तो तुम पढ़ाई कर सकती हो, उन्होंने मना कर दिया है। बेटी मधु, तुमसे नीचे कोई मिलने आए हैं। कौन है? वही तुम्हारे मंगेतर। तुम और यहाँ? ए, तुमने मुझे अपना मंगेतर क्यों कहा? जी, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? तो फिर क्या कहा? मैंने तो कहा था हम सिर्फ लवर्स हैं। क्या तुमने उनसे कहा कि हम लवर्स हैं? क्यों कहा तुमने ऐसा? चुप रहो, डीसीपी को पता चला तो गोली मार देगा। मतलब तुमने ये सब डीसीपी को कहा? हाँ डीसीपी को ही कहा, उसके अलावा किसे कहूंगा? ऐसा क्यों किया?
पागल हो क्या? इस सब की क्या जरूरत थी? मधु देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं शादी रुकवाऊंगा, इसीलिए ऐसा कहना पड़ा। अगर डीसीपी ने पूछा तो कहो तुम मुझसे प्यार करती हो प्लीज। मैं कहूँ कि हम लोग लवर्स हैं? कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। देखो, इस शादी को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो हम दोनों मारे जाएंगे प्लीज। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। मधु प्लीज मेरी बात। डैम इट, उसकी इतनी हिम्मत के डीसीपी से झूठ बोले? कहीं मिलेगा तो उसका एनकाउंटर कर दूंगा। अच्छा मैं बाद में। आप इससे प्रेम करती? बोलो, कब से करती है? 5 साल हो गए। तो फिर इससे शादी क्यों नहीं की? पहले पढ़ाई फिर शादी। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितना इंसल्ट फील कर रहा हूँ। खुद के लिए कितने सूट सिलवाए, 100 बनारसी साड़ियां मंगवा ली मैंने। सर आप कहें तो मैं सेल में उन्हें बेच सकता हूँ। आपके पिता ये सब जानते हैं? सर इसके पापा इसकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे। आप जेंटलमैन हैं इसलिए आपको बता। किसने कहा कि मैं जेंटलमैन हूँ? I'm not a gentleman. मैं जेंटलमैन नहीं हूँ किसी भी एंगल से नहीं। मैं सिर्फ एनकाउंटर मैन हूँ। मैं बदमाशों का एनकाउंटर करता हूँ, यही मेरा काम। मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मधु मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी कि वो लेटर मेरे लिए था। इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो ये सोच के डर रही हूँ कि वो डीसीपी पापा से क्या कहेगा। उसकी इतनी हिम्मत, भूख रहे मुझ पर। इज्जत मिट्टी में मिल गई हमारी, उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जान से मार दूंगा उसे। शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? खून खोल रहा है मेरा, छोड़ूंगा नहीं मैं उस कमीने को। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? डीसीपी की हिम्मत तो देखो, उसने शादी से इनकार कर दिया। मगर क्यों? क्या पता कितनी बार पूछा लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया, कभी ना कहीं का। पापा अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? बोलो। वो लेटर मेरे लिए नहीं था, वो मेरी फ्रेंड के लिए था। हाँ अंकल, एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हमारी बुक्स एक्सचेंज हो गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने। निकल यहाँ से, आज के बाद मधु से मत मिलना, समझ गई? पापा शादी तो अब कैंसिल हो चुकी है और इसमें मेरी मेरी कोई गलती भी नहीं है, तो क्या मैं कल से कॉलेज जा सकती हूँ प्लीज पापा? ठीक है। क्या बात है कांतम्मा, आज बड़ी चहक रही हो। शादी कैंसिल हो गई क्या? कम से कम थैंक्स तो बोल दो। थैंक्स क्यों बोलूं? गलती तुम्हारी थी, तुम्ही ने ठीक किया। अच्छा क्या? सारी हवा निकल गई ना, मैं भी डर गया था जब डीसीपी ने कनपट्टी पर असली गन रख दी थी। जान पे खेल के बचाया तुम्हें, थैंक्स भी नहीं बोलती। हाँ हेलो सर, सर 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 सर, मुझे जाने दो। सर 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 सर, कौन था? तुम्हारा डीसीपी था, हम दोनों को लंच पे इनवाइट किया है। अकेले ही जाओ? जाता हूँ, अगर उसने इस बार गन दिखाई तो सच बोल दूंगा और तुम दोनों की शादी फिक्स करा दूंगा। शादी मुबारक हो। मैं आ रही हूँ ना। अब मुझे नहीं आना। प्लीज 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 प्लीज। I'm sorry बनी, मैं बाहर से जितना कड़क हूँ अंदर से उतना ही नरम। एक्चुअली I'm a gentleman। सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए और धोखेबाज लोगों के लिए ही मैं सख्त हूँ। उनको ऐसा सबक सिखाता हूँ कि वो सीधे हो जाते हैं। एनीवेज तुम दोनों तो मासूम गुलाब की तरह हो।
I'm sorry. कोई बात नहीं सर, आपने हमारे जज्बात को समझा, इतना ही काफी है। एक बात बता मधु, बनी की सारी खूबियों के बारे में तुम्हें पता है? तुम लोग एक नंबर के कमीने कुत्ते और धोखेबाज हो। अगर एतराज ना हो तो पहली बार तुम दोनों कैसे मिले थे? अगर कुछ पर्सनल हो तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा ठीक, तो बताओ। वो दीपावली की रात एक पिज्जा ऑर्डर कैंसिल होने के बाद मैं उदास होकर सड़क के किनारे बैठा था। एक हंसी की आवाज आई। सोचा अगर हंसी इतनी मीठी है तो हंसने वाली कितनी सुंदर होगी। अच्छा, फिर मैंने उस लड़की को कार से उतरते हुए देखा। उस लड़की ने अनार जलाया और उस अनार की रोशनी में मैंने दो सुंदर पैर देखे, उसके खूबसूरत हाथ, सुराहीदार गर्दन और फिर उसका चेहरा। वो थी मधुमती। ठीक है, सही समझे सर। क्या जजमेंट है, इसे कहते हैं पुलिस वाला। हुलिया बताते ही चोर को पकड़ लिया। किसी भी हिट फिल्म का सीन बता दिया और ये पागल उसे सच समझ रहा है। सर, आप फिल्में नहीं देखते हैं क्या? नाम मत लीजिए फिल्मों का, उसमें सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। और सुनिए, दूसरी मुलाकात, प्यार का इजहार, एयरपोर्ट वाला सीन और विलन की एंट्री भी। नहीं 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 नहीं, एक सीन से ही पर्दे फट जाएंगे। वो एक सीन छू गया यार। क्या सोच रहा है तू? तू नहीं करना चाहता? अगर तुम कह रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अच्छा सूर्या, मैं चलता हूँ। ठीक है।